इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अल कासिम ब्रिगेड जबरदस्त कहर बरपा रहा है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्रतिरोध अल जहरा शहर में इजरायली सेनाओं के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ रहा है। हमास के खूंखार अल कासिम ब्रिगेड लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है। हालिया हमला इतना तेज और सटीक बताया जा रहा है कि इसराइल की पूरी डिफेंस लाइन तितर बितर हो गई है। ऐसे में माना जाने लगा है कि गाजा में हमास की खतरनाक सैन्य विंग इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट रही है। ब्रिगेड ने अपने हालिया हमलों का वीडियो भी शेयर कर इजरायली सेना के हौसलों को चुनौती दी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके घात लगाकर इजरायली सेना और उनके टैंकों पर हमले कर रहे हैं। गाजा की घनी झाड़ियों और खंडर बन चुकी इमारतों का सहारा लेकर अल कासिम गुट के लड़ाके इजरायली सेना पर भीषण और सटीक हमले कर रहे हैं, तो वहीं इजरायली बल युद्धभूमि में लड़ाकों का आसान शिकार बन रहे हैं। तीन अलग अलग जगहों के हमले से जुड़े वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाके इजरायली टैंकों को चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास लड़ाकों ने बंद पड़ी सुरंगों को फिर से एक्टिव कर दिया है, जहां से वे लगातार इजरायली सेना पर हमले कर बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि गाजा की सुरंगों में हमास ने पूरा जाल बिछा रखा है। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि गाजा में इजरायली जमीनी बलों के लिए हमला आसान नहीं होगा, जिसकी तस्दीक ताजा वीडियो से होती है कि इसराइल को अभी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री यूनिट बताई जाती है। इस यूनिट में शामिल आतंकियों की तुलना आईएसआईएस की क्रूरता से की जाती रही है। वहीं न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो आईडीएफ गाजा में अपने जमीनी ऑपरेशन के दूसरे फेज की समाप्ति के बाद अल जहरा शहर में कब्जा जमाने की तैयारी में है। इस इलाके पर नियंत्रण इजरायली कब्जे के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। अल जहरा शहर भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। ये खेतों से घिरा एक छोटा शहर है। ये उन पहले इलाकों में से एक माना जाता है जहां से प्रवेश किया जाता है। इजरायली बलों ने यहां के आवासीय टावरों को पहले से ही तबाह कर दिया है। खबरों की माने तो इजरायली सेना तोपखाने की आड़ में गाजा के दक्षिणी भाग वाले खान यूनिस के हमाद शहर के उत्तरी हिस्से से पीछे हट रही है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना की ये वापसी हमले के 162वें दिन हमास के खिलाफ भीषण टकराव के बीच हुई। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों की मध्य गाजा के जहरा और मगराका शहरों में इजरायली सेना के साथ खतरनाक जंग जारी है। What's going on?